राजौंद के ग्राम पंचायत नंदलाई में सरपंच सचिव सहायक सचिव द्वारा गरीबों का हक डकारा जा रहा है। जनपद पंचायत सरदारपुर के ग्राम पंचायत नंदलाई का मामला है, जहां जॉब कार्ड धारक को बेवकूफ बनाकर पंचायत के सरपंच सचिव और सहायक सचिव द्वारा अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत नंदलाई में जॉब कार्ड को बैंक ऑफ इंडिया रिंगनोद का खाता फ्रीज कर खाताधारी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और खाताधारक का कहना है कि हमने पंचायत में काम किया पर हमारे खाते में पैसे न डालते हुए किसी अन्य के खाते में पैसे डालकर हमारे गरीब के पैसे लूटे जा रहे हैं। वहीं श्रीमान अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण द्वारा जनपद पहुंचकर जनपद सीईओ को शिकायत की तो उन्होंने आश्वासन देते हुए जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड में किया जा रहा फर्जीवाड़ा, जिससे गरीबों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजौंद क्षेत्र में कई ग्राम पंचायत है जिसकी जांच की जाए तो फर्जी अकाउंट बहुत मिलेंगे। वहीं ग्राम पंचायत नंदलाई के ग्रामीण भैरूलाल शोभाराम राधेश्याम शंकरलाल द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा पंचायत में काम किया गया लेकिन हमारे खाते में पैसे नहीं आए। जब हमने इसकी जानकारी ली तो हमें पता चला कि बैंक ऑफ इंडिया रिंगनोद में पैसे जा रहे हैं। राजौंद से राजेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। अपने सरदारपुर तो काय के लिए आए थे? हम आए थे वो आवेदन देने के लिए। किस चीज का आवेदन? वो हमारा जॉब कार्ड में बेरोजगारी की लग रही है, हमारा पैसे एक नहीं निकला अभी तक, जॉब कार्ड में कुछ पैसे नहीं आए। तो कहाँ गया जॉब कार्ड का पैसा? जॉब कार्ड जो इंडिया बैंक में पड़े, वो रिंगनोद चल रहा है हमारा। रिंगनोद चल रहा है? हाँ ठीक है। आपका नाम? राधेश्याम प्रजापत नंदलाई। चीज के लिए गया? सर मैंने ये जो काम करा था मनरेगा योजना में, तो मेरे खाते में 3 महीने से पैसे नहीं डल रहे और कहीं अन्य के खाते में जा रहे हैं, और मैंने जब जांच करवाई तो रिंगनोद खाते में पैसे जा रहे हैं सर, मेरे खाते में कुछ भी नहीं आया। उसके बाद मैंने SDM साहब को ज्ञापन दिया, उसके बाद मैं CEO सर के पास साहब के पास गया तो उन्होंने मैडम के पास पहुँचाया, तो मैडम के पास गया तो उन्होंने पूरी जानकारी ली। उसके बाद बार बार मेरे से ये दोहराया कि आपके खाते नंबर दो, खाते नंबर। तो मैंने बोला खाते नंबर नहीं है, तो महाराष्ट्र के बताया तो वो बोल रहे थे कि बैंक ऑफ इंडिया के दो, तो मेरे से बैंक ऑफ इंडिया के खाते नंबर लिए उन्होंने। आप दे के आए खाता नंबर? हाँ मैं खाता नंबर दे के आया और वो प्राप्ति भी लेके आया हूँ। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बोला कुछ कार्रवाई होगी? हाँ कि आज तो सर नहीं, कल मैं दे दूंगा ज्ञापन, ऐसे बोल के मेरे को वापस रिटर्न पहुँचा दिया। आपका नाम? भैरूलाल राहुल, पिताजी का नाम शोभाराम रावल और मैं ग्राम पंचायत नंदले का रहने वाला हूँ। सर जो आज मामला है ये आवेदन वाला, इसमें आपके क्या कहना है? जैसे कि अभी आवेदक भैरूलाल के द्वारा सुनने को मिला है कि नंदलाई ग्राम पंचायत में विगत 30 दिवसों से कार्य कर रहे थे ट्रेंचिंग कार्य, जो मनरेगा योजना के तहत चलाया जा रहा है। इसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उस 30 दिवस की राशि उनके खाते में ना आते हुए किसी अन्य व्यक्ति के खाते में आ गई है और उनके खाते में किसी प्रकार का अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। इसके संबंध में CEO जनपद सरदारपुर को निर्देशित किया गया है कि 3 दिवस में इसकी जांच करें और जांच के उपरांत ही निर्णय लेगा। ठीक है सर। इसमें जैसे नंदले पंचायत में बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति है जिसको पता भी नहीं है जॉब कार्ड का, बना है नहीं बना है, तो उस पर कुछ एक्शन होगा? बिल्कुल, अगर ऐसी कोई स्थिति सामने आती है कि किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की जा रही है तो संबंधितों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ओके सर, थैंक यू। आपका नाम?